दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय भारत और चीन का जो माहौल है बहुत ही गर्म है और सभी चाइनीज ऐप या चाइनीज प्रोडक्ट को यूज नहीं करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर कि कोई चाइनीज ऐप है या नहीं है, या चाइनीज मेड इन चाइनीज ऐप हमारे मोबाइल में है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बताऊं दोस्तों, उससे पहले दोस्तों इस वीडियो कर दीजिए लाइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय गिरी और आप देख रहे हैं यूटेक बाबू टेक्निकल। दोस्तों, मैं ऐसे ही जानकारियों से वीडियो बनाकर लाता हूं, इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं क्वालिटी बेस्ड और सही जानकारी वाले वीडियो बनाता हूं। और जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, उसको सबसे पहले मैं चेक करता हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता हूं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। से अगर हम चाहें अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन है या नहीं उसको चेक करना कि चाइनीज ऐप है या नहीं उसको, दोस्तों उसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों में जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और वहां दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है चाइनीज ऐप डिटेक्टर। दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अब करना क्या है कि जब हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन, दोस्तों हमें स्कैन नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन चार एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सारा डिटेक्ट कर देगा कि आपके मोबाइल में कौन से चाइनीज एप्लीकेशन है या नहीं है। अगर आपके मोबाइल में चाइनीज एप्लीकेशन होगा तो दोस्तों ये सर्च करके बता देगा कि चाइनीज ऐप कौन कौन से हैं। अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाता है कि तीन एप्लीकेशन, मान लीजिए मेरे मोबाइल में तीन एप्लीकेशन आ चुका है कि ये सब चाइनीज एप्लीकेशन हैं, हमें इसको क्या करना है कि अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं इसको अनइंस्टॉल करना है, इसलिए दोस्तों हम अनइंस्टॉल पर क्लिक करके हम एक एक करके तीनों को अनइंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिससे कि हमारे मोबाइल में हार्मफुल सकता है या हमारे मोबाइल से डाटा वो चोरी कर सकते हैं। इसके दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है मोबाइल के सेटिंग में। दोस्तों, मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करके एप्लीकेशन सेटिंग में। उसके बाद दोस्तों जो भी हमें लगता है कि हमारा एप्लीकेशन हमें हार्मफुल लग रहा है या इसमें हमारा डाटा चोरी होने के चांस लग रहे हैं, दोस्तों हमें करना क्या है कि सिंपली उस एप्लीकेशन के उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमने नीचे जाना है और देखेंगे यहाँ लिखा है परमिशन। दोस्तों, हमें परमिशन जो लिखा है उस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने परमिशन अलाउ कर रखा है, लोकेशन का, कॉन्टेक्ट का या मीडिया का या फाइल जो भी है, दोस्तों हमें उसको ऑफ कर देना है अगर आपका ऑन है तो। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा जो स्टेप है आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको करना क्या है, जाना है आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में और दोस्तों वहां पर जाने के बाद आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ लिखा है प्ले प्रोटेक्ट। दोस्तों, प्ले प्रोटेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है नीचे, आप देखेंगे यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट स्कैन करने के लिए, तो दोस्तों मैं यहाँ स्कैन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर यहाँ पर दिखाता है कि ये हार्मफुल है या हमारे मोबाइल के लिए नुकसानदायक है, दोस्तों हमें उसको अनइंस्टॉल कर लेना है और अपने मोबाइल को सेफ कर लेना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।